हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर हैंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड और ज़्यादा डिटेल में जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर में हमने देखा था प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। तो इसी में हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मोर स्पेशलाइज्ड लेवल पर जो हेल्थ केयर है उनको हम देखते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। तो जो विलेज के जो कम्युनिटी है, विलेज की जो पॉपुलेशन रहती है और मेडिकल ऑफिसर में ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। तो ये वाइवा में पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो पहली बार हमको मेडिकल ऑफिसर जो रहता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मिलता है। बोर कमिटी इन 1946 दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ PHCs। बोर कमिटी ने पहली बार PHCs का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन को सर्व करने का कॉन्सेप्ट दिया था। इन 1953 सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ दे ऑल्सो रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PHC कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स और वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर दी जाए रूरल पॉपुलेशन को। तो मेनली जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रूरल पॉपुलेशन के लिए मोस्टली है। Now, the National Health Plan in 1983, they proposed one PHC for every 30,000 rural population in plains. तो 30,000 rural population plain area में one PHC होना चाहिए और one PHC 20,000 population के लिए hilly or tribal या backward area में होना चाहिए। स्टाफिंग पैटर्न जो है PHCs का वो 15 है। हमने सब सेंटर का पिछली वीडियो में देखा था तो 3 था, अब यहाँ पे जो स्टाफ है वो 15 है। हमें पहली बार यहाँ मेडिकल ऑफिसर मिला है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ हमें उसके साथ में रहते हैं सबऑर्डिनेटेड, तो 15 टोटल रहते हैं। अब ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन PHC के अंडर एंड 6 सब सेंटर्स रहते हैं और यहाँ पे 4 to 6 बेड्स रहते हैं पेशेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है। एक तो पॉपुलेशन नॉर्म्स, स्टाफिंग पैटर्न एंड कितने सब सेंटर्स आते हैं और कितने बेड्स उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। देन ये स्टाफिंग पैटर्न रहता है। पहली बार हमको यहाँ मेडिकल ऑफिसर मिला है, बाकी सारे ये जो हैं ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो टोटल जो रहते हैं वो 15 का हमें स्टाफ रहता है। नाउ फंक्शंस क्या हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के? तो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में एलिमेंट्स देखे थे तो ये सारे उन एलिमेंट्स को कवर करने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है तो उन एलिमेंट्स को ये कवर करता है। तो सबसे पहले मेडिकल केयर दे रहा है रूरल पॉपुलेशन को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ देता है एंड इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। तो जो लोग जो वुमेन की जो रूरल पॉपुलेशन में जो वुमेन रहती हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं तो उन सबको ये काउंसलिंग के तौर पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बताता है, फैमिली प्लानिंग के लिए बताया जाता है। देन सेफ़ वाटर सप्लाई, बेसिक सैनिटेशन के लिए बोला जाता है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीजेस, जो वहाँ पे वाटर डिजीजेज या वाटरबॉर्न डिजीजेज रहती हैं, जो भी वहाँ पे एंडेमिक डिजीजेज हैं उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रहता है। देन कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या जो भी लैब प्रोसीजर्स में, लैब सर्विसेज में दी जाती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। देन एजुकेशन अबाउट द हेल्थ, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह के तौर पे बताया जाता है। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो भी वहाँ पे रेलेवेंट है, रेफरल सर्विसेज टू मोर स्पेशलाइज्ड लेवल। देन ट्रेनिंग जो रहती है हेल्थ गाइड्स की, वो विलेज हेल्थ गाइड्स की यहाँ पर होती है, हेल्थ वर्कर्स की, लोकल दाइज की, हेल्थ असिस्टेंट्स जो भी रहते हैं उन सब की ट्रेनिंग PHCs पे मोस्टली रहती है और यहाँ बेसिक लैब सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और वाइटल इवेंट्स को रिपोर्ट एंड कलेक्ट किया जाता है जो कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट रहता है। देन एडोलेसेंट हेल्थ केयर के बारे में उनको बताया जाता है, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड रेफरल्स। तो ये सारे फंक्शंस रहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। देन आते हैं अब हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर रहता है और ये स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अब हमने वहाँ पॉपुलेशन 30,000 20,000 देखा था, लेकिन यहाँ 80,000 टू 1.20 लैक्स है। ठीक है, वहाँ पर 4 to 6 बेड थे, यहाँ 30 बेड्स हैं। प्लस वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर था, यहाँ 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट हमको मिलते हैं, सर्जरी के, मेडिसिन के, ऑब्स्टेट्रिक्स के, गायनी के, पीडियाट्रिक के, और उसके साथ में 21 पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है विद लैब फैसिलिटीज़। अब ये रेफरल सेंटर है 4 PHC का। हमने देखा था 1 PHC के अंडर एंड सब सेंटर्स थे, अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 4 PHCs आते हैं। नाउ देयर आर न्यू नॉन मेडिकल पोस्ट होती है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रहती है, वो भी CHCs पे ही रहती हैं। स्टाफिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो टोटल 25 का स्टाफ रहता है और अलॉन्ग विथ 4 मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं स्पेशलिटी के साथ में। बाकी जो ये सारे रहते हैं ये सब पैरामेडिकल स्टाफ रहता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमें पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है। सब सेंटर्स जो हैं प्लेन एरिया के लिए पॉपुलेशन 5,000 रहता है और हिली और ट्राइबल के लिए 3,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्लेन एरिया के लिए 30,000 और हिली या ट्राइबल एरिया के लिए 20,000। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स प्लेन एरिया के लिए 1.20,000 एंड यहाँ रहता है 80,000। अब जो स्टाफ रहता है सब सेंटर में 3 का रहता है, यहाँ पहली बार हमको ANM मिलती है और इसे कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। PHCs जो रहते हैं यहाँ 15 का स्टाफ रहता है और स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है, यहाँ पहली बार हमको मेडिकल ऑफिसर मिलता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टाफ 30 रहता है और 4 स्पेशलिटी वाले मेडिकल ऑफिसर्स हमको रहते हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट कवर करती है। तो ये स्लाइड हमको बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में पता होनी चाहिए पॉपुलेशन नॉर्म्स के हिसाब से। तो एक अगर हम लोग इसको और शॉर्ट में देखें हर सेंटर के लिए, तो विलेज लेवल पे जो विलेज हेल्थ गाइड्स हैं वो 1 रहती है 1,000 पॉपुलेशन पे, लोकल दाइज 1 रहती है 1,000 पॉपुलेशन पे और आशा भी 1 रहती है 1,000 पॉपुलेशन पे। तो ये विलेज लेवल पे। अब सब सेंटर पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट है किसके बीच में? PHCs के साथ में, और यहाँ 3,000 टू 5,000 तक पॉपुलेशन और पहली बार हमको यहाँ ANM मिलती है। PHCs जो रहती हैं ये रेफरल यूनिट है, ठीक है, यहाँ से हम रेफर करते हैं पेशेंट को। इसके अंडर हैं 6 सब सेंटर्स आते हैं, 4 to 6 बेड रहते हैं और टोटल 15 का स्टाफ रहता है यहाँ पर, मेडिकल ऑफिसर प्लस 14 सबऑर्डिनेट स्टाफ रहता है। उसके बाद में CHCs का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 PHCs इसकी रेफरल यूनिट रहती है स्पेशलिटी सर्विसेज के साथ में, और यहाँ पे जो रहते हैं बेड वो 30 बेडेड हॉस्पिटल रहता है। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अगर हमें कुछ नहीं आए तो हम इसको भी अगर लिखते हैं तो हमें मार्क्स काफ़ी सारे मिल सकते हैं। देन हॉस्पिटल्स जो रहते हैं, आप मेरी पिछली स्लाइड में जाके देखेंगे तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, उसी के अंडर एंड हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं। अपार्ट फ्रॉम PHCs जो दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो रूरल डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वहाँ पे भी प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती हैं। देन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, इंडिया में इतना यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, और लिमिटेड है, और वो ओनली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए है। तो इसकी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, अभी तो आप इनके सिर्फ नाम याद रख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है, और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैम रहता है। तो इनकी डिटेल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, अभी फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर एंड इनमें भी प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है। अदर एजेंसीज़ में अगर हम देखते हैं तो डिफेंस मेडिकल सर्विसेज जो मेडिकल केयर देती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, दिस सर्विसेज प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एम्ब्रेसिंग प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव सर्विसेज। तो हमारा मेन एम यही है कि रूरल पॉपुलेशन को प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव सर्विसेज मिले, तो ये डिफेंस मेडिकल सर्विसेज भी करती हैं। देन रेलवेज जो होता है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज देती हैं, जो रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ यूनिट्स होती हैं, क्लिनिक्स होती हैं, तो यहाँ पे भी इनको प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो दिया जाता है।
देन प्राइवेट एजेंसीज में अगर हम देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो रहती हैं, मेनली पहले 50,000 तक एलोपैथिक फिजिशियंस थे, अब जो हैं वो 7.67 लाख हैं। पर मेनली ये जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो 1:1,428 है। और मेनली जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्स केयर लॉ जो हमने डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के अंदर बताया, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो ये वाली जो रेशियो रहती है, क्योंकि वो मेनली रूरल पॉपुलेशन को सर्व नहीं करना चाहते हैं, तो इनका जो रेशियो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो MCI और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो रहती है वो इन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इनको रेगुलेट करती है। देन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हैं, इनमें आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी ये सब आते हैं जो मेडिकल केयर देते हैं रूरल पॉपुलेशन को। तो अभी तक 7.73 लाख जो हैं आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, और 90% जो ये फिजिशियंस हैं ये रूरल एरियाज़ में हैं, ठीक है। मेनली ये लोकल रेजिडेंट्स रहते हैं, तो वो सोशली और कल्चरली रिलेटेड रहते हैं। अब रिसेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेट लेवल पर भी इनको प्रमोट किया गया है, ताकि स्टेट में भी ये डिस्पेंसरीज रन की जा सकें। तो अब वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़ के अंडर हैंड क्या आता है, ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में। तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़ जो होती हैं, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑटोनोमस बोर्ड विथ होल्ड्स मीटिंग्स, कलेक्ट फंड्स फॉर द सपोर्ट चीफली फ्रॉम प्राइवेट सोर्स एंड एक्सपेंस मनी वेदर विद और विदाउट पेड वर्कर्स। तो ये NGOs रहते हैं, तो या तो ये गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, या फिर ये प्राइवेट होती हैं। तो उसमें क्या रहता है, ये लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं प्राइवेट सोर्सेज से, और फिर पेड या अनपेड वर्कर जो रहते हैं उनसे ये हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, या कॉम्बिनेशन में इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारी वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज रहती हैं, इसकी भी डिटेल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। पहले आप इनके सिर्फ नाम भी लिखते हैं तो काफ़ी रहता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ एंड इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, टीबी एसोसिएशन, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, प्रोफेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ये सारी जो हैं ये प्राइवेट एजेंसीज रहती हैं, और जो कि हेल्प करती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, कुछ गवर्नमेंट भी हैं और कुछ प्राइवेट भी रहती हैं, तो ये हेल्प करती हैं ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशन को दिया जा सके, या जो भी नीडी पॉपुलेशन है। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इंडिया में वो रन कर रहे हैं, और करोड़ ऑफ रुपीज़ उस पर गवर्नमेंट खर्च कर रही हैं, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो रहे, और जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उससे हमें गेट रिड मिले। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रोग्राम के अंडर हैं नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड RNTCP जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब वो तो कम्युनिकेबल वाले डिजीज़ प्रोग्राम थे, अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक एंड नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो ट्रिमेंडस प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं, जो कि मेनली मोस्टली 29 या 30 प्रोग्राम्स हैं, पर करोड़ ऑफ रुपीस इस पर गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है, ताकि हाँ रूरल पॉपुलेशन को मेनली हेल्थ केयर मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।